नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल 2020 की शुरुआत से ठीक पहले चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज सुरेश रैना ने आईपीएल से हटने का फैसला कर लिया। शुरुआत में खबरें आई रैना ने निजी कारणों से ऐसा किया है। सुरेश रैना ने भी यही कहा था कि वो पत्नी और दो बच्चों की वजह से बीच में आईपीएल छोड़ रहे हैं। उनके फूफा की डकैतों द्वारा हत्या को भी इसका कारण बताया गया था। लेकिन अब इस राज से एक तरीके से पर्दा उठ गया है कि क्यों रैना ने टीम को बीच में छोड़कर वापस देश लौट आए थे। रविवार को रैना के बीच में ही सीएसके को छोड़ने की वजह साफ हो गई। टीम प्रबंधन और रैना के बीच होटल के कमरे को लेकर विवाद हुआ था। प्रबंधन ने रैना की मांग पूरी नहीं की और इसी वजह से रैना ने आईपीएल से हटने का फैसला कर लिया। हालांकि सीएसके ने अभी भी रैना की वापसी के दरवाजे खोल रखे हैं। आपको पूरा विवाद शुरू से समझाते हैं। आपको बता दें, सीएसके 21 अगस्त को दुबई पहुंची थी। रैना पहले दिन से ही होटल के कमरे से खुश नहीं थे। रैना कोरोना को लेकर कठोर प्रोटोकॉल चाहते थे और उसी की तरह कमरे की मांग कर रहे थे जो धोनी को दिया गया था। ये भी सामने आया कि टीम जिस होटल में क्वारंटाइन थी, वहां रैना के कमरे में उचित बालकोनी भी नहीं थी, जिससे वो खासे नाराज थे और लगातार टीम प्रबंधन से धोनी की तरह रूम देने की मांग कर रहे थे। लेकिन मैनेजमेंट उनकी ये मांग पूरी नहीं कर रहा था। बात तो ये भी सामने आई है कि धोनी भी रैना को शांत करा नहीं पाए। वो लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात हाथ से निकल गई। सीएसके के दो खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद रैना का भय और भी ज्यादा बढ़ गया। इन सभी बातों का खुलासा सीएसके के मालिक और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने किया। एन श्रीनिवासन ने कहा, रैना के अचानक चले जाने से टीम को धक्का लगा है, लेकिन एमएस धोनी ने पूरी तरीके से मामले को संभाल लिया है। पुराने क्रिकेटर तुनक मिजाज अभिनेता की तरह होते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा एक परिवार की तरह रही है और सभी वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ रहना सीखा भी है। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि टीम रैना एपिसोड से बाहर आ गई है और जल्द फील्ड पर उतरने के लिए तैयार है। श्रीनिवासन ने यह भी कहा कि सुरेश रैना के चले जाने के बाद गायकवाड़ के लिए अच्छी खबर है कि वो एक शानदार बल्लेबाज हैं और अब उन्हें मौका मिलेगा। ऋतुराज इस बार आईपीएल का स्टार बन सकता है। श्रीनी को लगता है कि रैना वापसी करना चाहेंगे तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सत्र अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे और भी ज्यादा मिस करेंगे जब इससे जुड़ा बहुत सारा पैसा वो जब खो देंगे। आपको बता दें, रैना को करीब 11 करोड़ हर सीजन मिलते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।